बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूं, ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे, और गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती। गुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियां जमीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की गुलामी से हमें आजाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आजाद किया था अदल और इंसाफ देके। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक की, आपकी आजादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आजादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूं, जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है। पुरमन इत्तेजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, वोट के जरिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्जा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए जो आज कब्जा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया।